जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो तो एक ड्रीम आपका रहता है कि इस महीने के एंड में मेरा पीरियड भी मिस हो जाएगा और मैं यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करूं। वो हर एक लेडी जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसको ये दिमाग में रहता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाएगा, इस महीने मेरी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो ही जाएगी। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का भी कुछ तरीका है। यदि वहाँ पर भी आप कोई गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो पाती है। यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय आपको तीन बातें ध्यान में रखनी होती है। यदि वो तीन चीज़ें आप ध्यान में रख लेंगे तो प्रेगनेंसी अच्छे से कंफर्म हो जाएगी, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और कई बार ये भी होता है कि आप थोड़ी सी जल्दी कर देते हो, जैसे यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए तुरंत ही आप प्रेगनेंसी नहीं है ये मान लेते हो और पीरियड लाने की दवाई वगैरह सब प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर प्रेगनेंसी होती है। तो ये सारी गलतियाँ होती है जो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होने देती है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट करें ताकि जल्दी से आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाए, वो जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखना नहीं भूलना है फ्रेंड्स। और हाँ, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना भी नहीं भूलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय लड़कियाँ कौन सी मेन गलतियाँ करती है और उसको कैसे हम सुधार लें। देखो, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो तो मेन चीज़ क्या होती है, आपको आपका ओव्यूलेशन डे भी पता होना चाहिए। देखो, अब आप ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट और ओव्यूलेशन का क्या रिलेशन है, तो उसका बहुत ही बड़ा रिलेशन है। वो कैसे, वो मैं आगे बताती हूँ। तो आप अपना ओव्यूलेशन डे पहले तो जानो, और जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो तो आपके पीरियड रेगुलर होना चाहिए। यदि पीरियड रेगुलर नहीं होंगे तो आपका अंडा अच्छे से नहीं बनेगा, और यदि अंडा अच्छे से नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। यदि ओव्यूलेशन नहीं होगा यानी कि अंडा रिलीज ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए अंडा चाहिए। तो ओव्यूलेशन आपको हो रहा है नहीं वो जानिए। अब वो कैसे जान सकते हैं, उसके मेनली तीन तरीके हैं जो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्टली बता देती हूँ। सबसे पहला, अपना डिस्चार्ज देखिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये रहता है लेडी को कि उसको ये पता ही नहीं चलता, उसका डिस्चार्ज में कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती वो। तो उसको जो टिप है, मेन टिप यही है कि जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म हो दूसरे ही दिन से आप अपने वजनल डिस्चार्ज को महसूस करो, फील करो, और डेली देखो, एक फिक्स टाइम पे डेली सुबह या डेली दोपहर में आप उसको चेक करो। तो जैसे ही आपको ओव्यूलेशन होगा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और तुरंत ही आप कैच कर पाएंगे कि आज मेरा ओव्यूलेशन डे है, आज मेरा अंडा रिलीज हुआ है। दूसरा होता है किट, यानी कि आप किट में भी देख सकते हैं, ओव्यूलेशन किट बहुत सारी बाजार में मिलती है, आप उसमें भी देख सकते हैं। जब भी दो लाइन आए उसमें, उसी दिन या फिर दूसरे दिन आपका अंडा रिलीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशन प्लान कर सकते हैं। डिजिटल किट भी मिलती है जो आपको हर तरह की गाइडेंस दे देगा। यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो उसके लिंक में डिटेल में रख दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप ये किट वगैरह खरीद सकते हैं। और चौथा होता है फोलिकुलर स्टडी। तो फोलिकुलर स्टडी में आप गायनेक के पास जाओ, वहाँ पर फोलिकल की जो साइज होती है उसके अकॉर्डिंग आप पता कर पाते हैं कि अंडा रिलीज हुआ या नहीं, ओव्यूलेशन हुआ या नहीं। तो आप पहले तो अपना ओव्यूलेशन डे जानिए, और एक बार आपको ओव्यूलेशन डे पता चल जाए तो उसके चार दिन आगे और दो तीन दिन पीछे रिलेशन रख लो तो प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अच्छे से आपने ये जान लिया कि ओव्यूलेशन हुआ या नहीं। दूसरी चीज़ होती है रिलेशन, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया फेज, यानी कि रिलेशन भी अच्छे से बना लिए है। तो क्या होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी यानी कि ओव्यूलेशन होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, जो यदि आप नहीं रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी कन्फर्म नहीं होगी, या फिर आप यूपीटी करने तक का जो रास्ता है वही तय नहीं कर पाएंगे, बीच में ही आपकी डेट से पहले ही आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, देखो जब भी आपका ओव्यूलेशन पीरियड ख़त्म हो जाए यानी कि मेंसेस के 20 दिन के बाद क्या करना है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले रिलेशन बंद कर देना है। ओव्यूलेशन के मैक्सिमम 5 दिन तक आप रिलेशन रख सकते हैं, उसके बाद रिलेशन रखना बंद कर देना है। दूसरा चीज़ होता है, कोई भी हेवी एंटीबायोटिक या हेवी पेन किलर नहीं लेना है। तीसरा होता है, बहुत ही ज़्यादा बम्पी रोड पर ट्रैवल नहीं करना है। हाँ, यदि आप स्मूथ रोड हो, थोड़ा सा भी लॉन्ग डिस्टेंस हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बम्पी रोड हो तो आपको ट्रैवल नहीं करना है।
चौथा है आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि मैंने अगले भी वीडियो में बताया है हेयर वॉश नहीं करना है, तो उसका क्या रिलेशन ये भी पूछते हैं। देखो, जब हमारा नॉर्मल पीरियड होता है, नॉर्मल साइकिल रहती है, उस समय क्या होता है, देखो जब डेट होती है उससे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है, और उसके चलते आपको प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप के सारे सिम्टम भी फील होते होंगे, यानी कि पाँव में क्रेम स्टार्ट हो जाते हैं, आपको बैकएक स्टार्ट हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप के होते हैं। और उसके दूसरे दिन सुबह में या उसी रात में आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, आपका सारा चीज़ें हो चुकी, यानी कि अंडा भी रिलीज हुआ, आपने रिलेशन भी रख ली, इम्प्लांटेशन भी हो गया, बच्चा यूट्रस में चिपक भी गया है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपने हेयर वॉश किया, प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप हुआ, पीरियड स्टार्ट हुआ, बच्चा बाहर उसके साथ निकल जाएगा, तो हेयर वॉश 20 दिन के बाद नहीं करना है। और अब बात आती है मेन चीज़, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लेडी को। कोई बोलते हैं 8-10 दिन तक नहीं करना है, कोई बोलते हैं उसके आगे भी आप कर सकती है, उसमें भी रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो मेन डाउट्स हम सोल्व कर लेते हैं। तो वो किस तरह से, देखो जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना होता है तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। सबसे पहली उसका टाइमिंग, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, तो मैंने आगे जो बताया था ओव्यूलेशन डे जानना क्यों ज़रूरी है, उसका क्या रिलेशन है। तो देखो, ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका अंडा होगा आपकी फेलोपियन ट्यूब में, आपकी गर्भ नली में होगा, और उसके 5-6 दिन के बाद आके वो आपका यूट्रस में आपके बच्चेदानी में चिपकेगा, ओके। और इम्प्लांटेशन के तुरंत ही बाद वहाँ पर HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है, जो आपके यूरिन में डिटेक्ट होता है। यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, आपके यूरिन में जो HCG हार्मोन होता है, बीटा HCG, उसको वो डिटेक्ट करता है। यदि यूरिन में वो हार्मोन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर 2 लाइन आएगी, नहीं होगा यूरिन में बीटा HCG तो वहाँ पर नेगेटिव आएगी, 1 लाइन आएगी। तो उसके लिए क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाए उसके 5-6 दिन बाद, इम्प्लांटेशन हो जाए उसके 6 या 7 दिन बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये यदि आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो तो आप ये टिप अपना के उस टाइम पे कर सकते हो। यदि आपको ओव्यूलेशन डे पता ही नहीं चला है तो क्या करना है, आपकी डेट को मिस होने देना है और उसके 3 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। और यदि बहुत ही ज़्यादा लेंथी साइकिल है, यानी कि आपकी साइकिल 35 या 40 डेज की है, तो क्या करना है, तो वहाँ पर भी यदि आप ओव्यूलेशन चेक करेंगे तो उसके 10 या 12 दिन बाद आप किट में चेक कर लेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। तो पहला टाइमिंग कब करना है, दूसरा उसकी रीडिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, रीडिंग में सबसे पहले तो जैसे यूरिन डाला, 1 लाइन आई, आपने थ्रो कर दिया, नेगेटिव, ऐसा नहीं है। यूरिन आप डालो, 5 मिनट तक वेट करो, चाहे उसमें रिजल्ट आ गया, 1 लाइन आई हो तो भी 5 मिनट तक वेट करो, 2 लाइन आई तो भी 5 मिनट तक वेट करो, ओके। तो 5 मिनट के बाद भी वहाँ पर कई बार दूसरी लाइन अपीयर होती है, वो क्यों, क्योंकि बीटा HCG का लेवल बहुत ही कम होगा आपकी यूरिन में, तो लेट डिटेक्ट होता है, तो इसीलिए आप 5 मिनट तक वेट करो, ओके। ये पहली गलती होती है जो बहुत ही कॉमन होती है और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कन्फर्म होते होते रुक जाती है। दूसरा होता है कि जब आप यूरिन टेस्ट करो उसमें एक हल्की लाइन आती है, तो हल्की लाइन का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर बीटा HCG लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है और उसके चलते आपको अभी वेट करना है। तो जब भी 1 लाइन हल्की आती है, 1 डार्क पिंक आती है, 1 लाइट पिंक आती है, तो क्या करना है, आपको 8 दिन और वेट करना है। 8 दिन तक वेट कीजिए, फिर से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, या फिर यहाँ पर वेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो 1-1 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एंग्जियस वाला, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला रहता है, तो वहाँ पर आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। बीटा HCG ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें जो होता है हार्मोन का लेवल, उसके ऊपर से आप जान सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं, प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, ओके। तो जब भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, 1 लाइन आए या फिर उसमें बहुत ही हल्की लाइन आए, तो आप ब्लड टेस्ट से कन्फर्म कीजिए, उसके बाद ही आगे डिसीजन लीजिए, ओके। तीसरी गलती होती है, जैसे ही आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तुरंत ही आप पीरियड के बारे में सोचने लगते हो और मेडिसिन ले लेते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि आपका लेट ओव्यूलेशन हुआ होगा तो आपका इम्प्लांटेशन लेट होगा, तो आपकी यूरिन जो टेस्ट है वो भी लेट डिटेक्ट होगा। यानी कि यदि आपका ओव्यूलेशन जो है, अंडा रिलीज हुआ है, वो 18 या 19 या 20 दिन पे हुआ, ओके, लेट, तो क्या होगा, तो आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और 5-6 दिन लेट आएगी। तो आप ये ध्यान में रखिए, ओव्यूलेशन डे आप पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद यदि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट
के रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा आसानी रह जाएगी। तो चलो फ्रेंड, इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई भी एक डाउट हो, तब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। और यदि आपको और कोई तकलीफ है, जैसे कि PCOD, ओवेरियन सिस्ट, नली बंद, आपके हस्बैंड में दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है, उसके बाद आप तुरंत प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करवा के बात कर सकते हैं आप। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना है, इंस्टा पे फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलो फ्रेंड, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।